हरियाणा का विधानसभा सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। ये सत्र मनोहर लाल सरकार का अंतिम सत्र होगा, जिसकी सारी तैयारियां सरकार ने कर ली हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं है, लेकिन विपक्ष के कुछ सदस्य अभी भी हैं। विपक्ष पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष नहीं है, विपक्ष में भी कुछ साथी, यानी एक मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के नेता नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन विपक्ष के विधायक, कुछ कांग्रेस के, कुछ बचे हुए इनेलो के, कुछ सो कॉल्ड आस्था जेजेपी के, क्योंकि वो प्रैक्टिकली तो इनेलो के ही हैं लेकिन आस्था उनकी जेजेपी में है, ऐसे कुछ विधायक वहाँ हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस में भी एक एक करके अब क्रम बन गया है इस्तीफा देने वालों का। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सत्र विधिवत चलेगा, सत्र में बहुत सारे विधेयक पास होने की संभावना है। सरकार विधानसभा सत्र में हरकों का कानून भी लेकर आएगी। मनोहर लाल सरकार का अंतिम सत्र है, इसलिए इस सत्र में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके चलते ये सत्र सरकार के लिए कई मायनों में अहम है। R9 TV के लिए चंडीगढ़ से OP शर्मा की रिपोर्ट।